यहाँ क्या कर रही हो? समझ गया, अब अवश्य ही लव भैया के पास जा रही है ना माँ? मैं जानता था उन्हें दंड देकर, उन्हें भूखा प्यासा रखकर आप भी पूरी रात दुखी ही हुई होंगी ना कुश। इसी क्षण लव के लिए कुछ फल लेकर जाओ और उसे कहना कि वो उसे खा ले। किंतु माँ, यदि आप स्वयं चलकर उन्हें ये फल देंगी तो उन्हें प्रसन्नता होगी। आप तो जानती है वो पूरी रात दुखी रहे, उन्हें ऐसा लगा कि उनके कारण आपको दुख पहुंचा है। नहीं, मैं अब भी लव से रुष्ट हूं और ये आप लव को अवश्य बता देना। अब जाओ। माँ, आपने उन्हें दंड दिया, उचित किया, उनकी भूल थी। तो एक बात तो है ना माँ, इस संसार की कोई भी संतान अपने माता पिता पर उठे अपमानजनक प्रश्न सहन तो नहीं कर सकती। क्या किया, मुझे क्यों बोल दिया? भैया, माँ ने केवल आपको रात्रि के लिए बांधा था, पर अब तो सूर्योदय हो चुका है। ये फल माँ ने भेजे? नहीं, ये फल मैं लाया हूँ, पर माँ के आदेश पर। माँ अब भी आपसे रुष्ट है, इसलिए हम दोनों को उन कुमारों से थोड़ा सावधान रहना होगा, उसे उलझना उचित नहीं होगा। तो कैसी बीती वन में बंधे बंधे रात्रि? आनंद आया होगा तुम्हारे पशु मित्रों को, ना ठंड से बचने के लिए छत, ना तीव्र पवन से बचने के लिए दीवारें। नदी के बहते पानी की ध्वनि सुनकर प्यास भी बहुत लगी होगी और पेट में दौड़ते मुश्कों की नहीं नेवलों की ध्वनि सुनाई दे रही होगी तुम्हें। शरीर पर कीटों ने तांडव किया होगा। हाँ, आनंद तो बहुत आया मेरे भैया को, क्योंकि ये वन ही हमारा घर है। यहाँ के सारे पशु पक्षी जीव जंतु हमारे मित्र हैं, रविचंद्र के भांति। रविचंद्र कौन है? रविचंद्र को नहीं जानते? फुर्तीला, विशेला, भयंकर सर्प, सब भयभीत रहते हैं उससे, किंतु वो हमारा मित्र है। देखो तो आपके पीछे ही है। उतरो, मुझे भी भागना, उतरो। अरे रविचंद्र शांत, इनके हष्ट पुष्ट शरीर पर मत जाना, हृदय दुर्बल है इनका।
आओ मैं आपका भी परिचय करवाता हूँ रविचंद्र से। तुम्हारे भाई मुझे इस वन और वन में रह रहे वन्य पशुओं से भयभीत करने की चेष्टा कर रहे थे। कदाचित वो ये नहीं जानते कि इस वन में रहने वाले प्रत्येक प्राणी हमारे परिवार के सदस्यों के समान है। सुनकर प्रसन्नता हुई। इस आश्रम में आ जाने भर से इस आश्रम के लोग हमारा परिवार तो नहीं बन जाएंगे। गुरुजी का संदेश वाहक महर्षि वाल्मीकि जी आप सभी को सूचित करते हैं कि आज से आप सबकी शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। इसीलिए आप सभी को सज्ज होकर अपनी अपनी कक्षाओं में उपस्थित होना है। पहले हम माँ के पास जाके क्षमा मांग लेते हैं। नहीं कुश, यदि मैंने उनसे क्षमा मांगी तो रात की ये बात उन्हें पुनः आहत करेगी और ये पीड़ा मैं उन्हें नहीं दे सकता। नहीं भैया, मैंने माँ की आंखों में देखा आपको दंड देकर, वो आपसे अधिक पीड़ा में थी। अब आप स्वयं सोचो ना, कितना छोटा परिवार है हमारा, माँ, मैं और आप। और मैं भी तो हूँ। हाँ हाँ दीदा, आप भी हो। चलो ना भैया, एक बार भैया, वहाँ वहाँ वन में गई है। वन में इस समय? किंतु क्यों? आप तो जानते हो ना, माँ सदैव नए जड़ी बूटी की खोज में रहती, उसी की खोज में गई होगी। ये दोनों यहाँ कैसे? इन्हें स्थान का पता नहीं लगना चाहिए। माँ, कहाँ हो? माँ उत्तर दो आप। कहाँ हो माँ? उत्तर दो। कहाँ हो माँ? उत्तर दो ना माँ। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कुश कि माँ यहीं आई थी? क्योंकि वन का ये भाग मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ भैया, मुझ पर विश्वास करो, माँ यही आई थी। चलो हम माँ को आगे चल के देखते हैं। चलो माँ। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि मुझे यहां आने का संकेत दिया गया? माँ कहाँ? उत्तर दो माँ। क्या हुआ भैया? यहाँ चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ और सूखे पौधे हैं। माँ यहाँ जड़ी बूटी ढूंढने नहीं आई होगी। किंतु भैया, मैंने माँ को इसी दिशा में जाते हुए देखा था।
मेरे विचार से हमने माँ के पदचिन्ह पीछे छोड़ दिए। किंतु आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? नहीं जानता, बस मेरा हृदय कह रहा है। माँ, माँ कहाँ हो? माँ, मुझे विश्वास है माँ यहीं गई है। लवकुश, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? महर्षि ने अध्ययन के लिए बुलाया है और वो छह राजकुमार तो पहुँच गए हैं। यदि तुम लोगों ने और विलंब किया ना तो उन्हें तुम्हें नीचा दिखाने का एक और अवसर मिल जाएगा। और तुम तो जानते हो महर्षि कितने समय निष्ठ हैं। चलो अब। किंतु माँ, माँ भी कभी नहीं चाहेंगी कि हम हमारी कक्षा में विलंब से जाएं। चलो भैया। परिस्थिति इतनी बिकट हो गई थी कि मुझे लगा आपको शीघ्र बुलाना ही ठीक रहेगा। वन देवी, वन देवी काकी, शिपर्णा चिंता मत कर, आपकी काकी आ गई है ना, कुछ नहीं होगा आपको। ये सब अभी तक यहाँ क्यों है? इन्हें वैद्य जी के पास ले जाने में विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि वैद्य की औषधि के बदले देने के लिए हमारे पास धन नहीं है। वन देवी, अपनी हस्तकला की वस्तुओं की बिक्री नहीं कर पाए हम। इतनी सुंदर, इतनी उपयोगी हस्तकला की वस्तुएं कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा? मुझे तो लगता है कि इस समय हाट में इनकी बड़ी मांग होगी। मांग तो बहुत अधिक है वन देवी, किंतु हमारी वस्तुओं की बिक्री करने वाले वितरक श्रीपति कई दिनों से नहीं आए हैं। यदि श्रीपति यहाँ नहीं आ सके, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम ये सारा परिश्रम व्यर्थ जाने देंगे और धन की तंगी में अपनी संतानों को चिकित्सा से वंचित रखेंगे। किंतु हम क्या कर सकते हैं? और समस्या हमारी है तो हल की ओर भी हमें ही बढ़ना होगा। हम स्वयं हाट में ये वस्तुएं बेचेंगे।